फाइनली गाइस, आज हम अपने बेबी रैबिट्स को घास खिलाने वाले हैं। देखेंगे कि बेबी रैबिट्स घास खाते हैं या नहीं खाते हैं। ठीक है, तो अभी बेबी रैबिट्स आराम से सो रहे थे इसमें और मैंने इनको एक एक करके यहाँ पर घास पर छोड़ा, तो देखते हैं फिर क्या ये घास खाएंगे या नहीं खाएंगे। अभी इनकी आँखें तो आराम से खुल चुकी हैं, तो ये अभी तो घास खाने की थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी पाँचों के पाँचों को मैं इसमें यहाँ पर छोड़ देता हूँ आराम से। ठीक है, तो ये किस तरीके से घास खाएंगे वो देखना है सिर्फ। और ये हमारा चौथा बेबी रैबिट्स, ठीक है, और ये हमारा लास्ट और फाइव। तो आ जा भाई तू। ठीक है, तो अभी तो यार ये खाने की कोशिश नहीं कर रहे। वैसे कि करते हैं यार, अपना मोटा वाला किधर है, बड़ा वाला ये दोनों अपने मोटू। ठीक है, वैसे अपने सारे के सारे बड़े हो चुके हैं, कितना आराम से खा रहे हैं सबके सब। और बेबी रैबिट्स को देखो, इतनी पहचान है अपनी मोम की, वो अपने मोम के पास चला गया घूम घाम के फिर से। और ये यहाँ पर दोनों खाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्यारे से क्यूट क्यूट से बेबी रैबिट्स अपने। धीरे धीरे ये बहुत जल्दी से, आज ये 10 डेज के 10 दिन के हो चुके हैं। और ये देखते हैं, अरे वाह ये तो खाने लगा। अरे वाह, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी स्माइल के साथ ये बेबी रैबिट्स घास खाना शुरू कर रहे हैं। वाह, यकीन नहीं होता मुझे। ठीक है, वो कितनी जल्दी से खाना शुरू कर देते हैं ना, बहुत शैतान है ये, बहुत चंचल, बहुत ही। इनके नाम बहुत, एक का नाम हम क्या रखेंगे, चंचल भी रखेंगे ना मगर इनके भी नामों तो हम रख देते हैं, मगर इनके नाम से पहचान ही नहीं हो पाती किसका नाम कौन सा है। इनमें तो है, ये अपना छोटू है, ये अपना मोटू है। ठीक है, तो इन दोनों में देख सकते हैं आप, डिफरेंट है ना कानों का, तो उससे ही मुझे पहचान हो जाती है। अब बाकी इनमें अभी सहम है सब, इनमें भी कुछ ना कुछ। अरे पानी पीने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर पी लिया थोड़ा सा पानी पी के, देखो ये कितना प्यार से मस्ती करता है। यहाँ पर ये खुजा रहा है अपना छोटा वाला बेबी रैबिट्स, तो अभी ये घास नहीं खाते, फिर से पानी पीने की कोशिश करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। और ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। वाह अमेजिंग, अरे वाह, ये तो अपने पानी के कटोरे के अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है भाई। ये तो जा चुका है इसके अंदर, अब क्या करेगा ये, क्या इसको गर्मी लग रही है क्या। अरे वाह नहीं यार, अभी तुम बहुत छोटे हो, मासूम से बहुत प्यार रहे ना, तुम यहाँ आ जाओ, इसके अंदर ना जाओ तुम, ठंड में ठंड भी लग सकती है। देखो कितने प्यार थे अपनी रैबिट्स की फैमिली पूरी, सबके सब अपनी लंच बना रहे हैं आराम से। और टाइम जो हो चुका है वो लंच का ही हो चुका है, यानी कि 1 PM होने वाले हैं, बस एक ही मिनट की कमी है। और यहाँ पर देख सकते हैं अपना पूरी रैबिट की फैमिली लंच कर रही है। अभी बेबी रैबिट्स जो है ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, ये मतलब अभी घास नहीं खा रहे हैं, अभी 2-1 दिन के बाद ये घास खाना शुरू कर देंगे, मगर मैंने थोड़ा सा रख दिया है, खाने की कोशिश करेंगे तो तभी तो सीखेंगे ना खाना। चलो अब इसको बंद कर देता हूँ मैं, तो कम नीचे आओ। तो कैटी अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर के आते हुए, और इसका भी लंच का टाइम हो चुका है, तो ये भी खाना खाएगी, मगर ये सोती बहुत है, यानी कि आज इसको क्या खाया इसने, सोने का ही मन रहता है इसका, क्योंकि ये गर्भवती है, प्रेग्नेंट है हमारी कैट, इसका ध्यान रखना पड़ता है हमको बहुत जल्दी। देखो बेबी यो क्या है, यहाँ पर मुझे इसको कुछ दिखा था क्या, तुम्हारे पिस्सू है भाई, पकड़ना पड़ेगा मुझे।